हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सप्लाई, व्हाट आर द डिटरमिनेंट ऑफ दिस सप्लाई। और ये जो मेरा लेक्चर था, ये मैंने सेकंड चैनल जो कि शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर डाला था, बट अभी ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, तो इसी वजह से फर्स्ट पार्ट जो है मैंने इसके अंदर डाला है, सेकेंड पार्ट जो है मैं उसको दूसरे चैनल के अंदर डालूँगी, क्योंकि वो प्योरली जो है इकोनॉमिक्स एंड लॉ का है। और इसके जो रिटर्न नोट्स हैं वो भी मैंने अपने ब्लॉग पर डाल दिए हैं। तो आज मैं अपने दूसरे चैनल के बारे में ही बताऊंगी कि वहाँ पे मैंने कौन कौन से लेक्चर्स जो है डाल दिए हैं, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, और ये चैनल शशि अग्रवाल जो है ये नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर ये लेक्चर्स मैंने डाल दिए हैं, नेशनल नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसके अंदर मैंने नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स भी डाले हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स का अदर सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, उसके फीचर्स, ग्रीन रेवोल्यूशन के 2 लेक्चर, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के ऊपर, नेगोशिएबल के अंदर 3 लेक्चर्स, वेल्थ डेफिनेशन के अंदर हिंदी के अंदर नोट्स, और हिंदी के अंदर ही मैंने अभी रिसेंटली ही डाला है। अब हम देखते हैं सप्लाई का अर्थ क्या है। देखो, सप्लाई का अर्थ होता है, यहाँ पे जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लायर के व्यू पॉइंट से हम स्टडी करते हैं। सप्लाई का अर्थ होता है कि सेल के लिए हमने कितना जो अमाउंट है वो ऑफर किया है गिवन प्राइस पे और गिवन टाइम के अंदर। और सप्लाई जो होती है हमेशा प्राइस के साथ और टाइम के साथ एसोसिएटेड होती है। और देखो, जैसे प्राइस को निर्धारित करना है, प्राइस को फिक्स करना है, तो हमें जैसे डिमांड के बारे में पता है तो वैसे हमें सप्लाई के बारे में पता होना चाहिए। ये क्योंकि प्राइस फिक्सेशन करने के लिए डिमांड भी ज़रूरी है, सप्लाई भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि सप्लाई का अर्थ क्या होता है। सप्लाई एज ए शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब होता है टेबल, जिसके अंदर हमें वो बताता है कि डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट टाइम्स के अंदर इतनी हम चीज़ें जो हैं ऑफर करते हैं सेल के लिए। वी मे डिफाइन सप्लाई एज ए शेड्यूल ऑफ द अमाउंट ऑफ ए गुड दैट वुड बी ऑफर फॉर सेल एट ऑल पॉसिबल प्राइसेस ऑफ एनी वन इंस्टेंट ऑफ टाइम और ड्यूरिंग एनी वन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल ए डे, वीक, सो इन विच द कंडीशन ऑफ सप्लाई रिमेन द सेम। सप्लाई ऑफ गुड्स का अर्थ होता है कि सप्लायर जो है कितनी क्वांटिटी जो है पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर प्राइस पे मार्केट के अंदर जो है सेल करने के लिए रेडी होता है। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सप्लाई और स्टॉक के अंदर कोई डिफरेंस है या नहीं है। देखो, सप्लाई और स्टॉक के अंदर सर्टनली डिफरेंस है। स्टॉक का अर्थ होता है कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर हमारे पास कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, टोटल वॉल्यूम कितना पड़ा, टोटल क्वांटिटी कितनी पड़ी है। सप्लाई जो होती है कि टोटल जितनी गुड्स पड़ी हुई हैं वो हिस्सा होता है जो बाज़ार में हम पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर टाइम पे सेल करने को तैयार होते हैं। और सप्लाई का अर्थ होता है कि जो हम एक्चुअल में मार्केट के अंदर सेल करने के लिए लेके जाते हैं। और स्टॉक का होता है कि इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनको हम सेल कर सकते हैं। और सप्लाई जो होती है गिवन प्राइस पे, तो यहाँ पे देखो, अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम, तो अगर प्राइस लो है तो सप्लाई भी लो होगी, और अगर प्राइस हाई है तो वो ज़्यादा माल बेचने को तैयार होगा। यहाँ पे हम जो संबंध है सप्लाई और प्राइस का, सप्लायर के एंगल से सोचते हैं कि अगर मुझे, देखो, मैं कोई चीज़ सब एक चीज़ सप्लाई करता हूँ तो मैं उसी वक्त बाज़ार के अंदर उसको सेल करूँगा जब मुझे ज़्यादा प्राइस मिलेगी। तो सप्लाई जो है प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम, और इनका पॉजिटिव रिलेशन होता है, दोनों एक डायरेक्शन में जाते हैं, प्राइस ज़्यादा है तो सप्लाई भी ज़्यादा, प्राइस कम है तो सप्लाई भी कम। अब हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा देखेंगे। देखो, यहाँ पे जैसे हमारे पास गोडाउन के अंदर 10,000 क्विंटल का स्टॉक पड़ा हुआ है, पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर टाइम पे हम 700 रेट है तो उस पर जो है 1,000 क्विंटल जो है 700 पर क्विंटल के हिसाब से हम 1,000 क्विंटल जो है मार्केट के अंदर सेल करने के लिए लेके जाते हैं। सप्लाई एंड स्टॉक के अंदर डिफरेंस है। अगर देखो पेरिशेबल गुड्स हैं तो वहाँ पे सप्लाई और स्टॉक जनरली बराबर होता है, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स ख़राब हो सकती हैं। लेकिन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर क्या होता है कि सप्लाई और स्टॉक के अंदर डिफरेंस होता है। स्टॉक टोटल अमाउंट जितना हमारे पास पड़ा हुआ है, सप्लाई वो हिस्सा जो हम मार्केट के अंदर ऑफर करते हैं। सप्लाई फंक्शनल जो है हमें बताता है कि सप्लाई ऑफ कमोडिटी किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि हमें पता है कि ये वाला जो है ये डिपेंडेंट है, ये वाले जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। देखो, उसी कमोडिटी की प्राइस पे फैक्टर इनपुट पी आई, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स पी वाई, टेक्निकल नो हाउ के, नंबर ऑफ सप्लायर एंड, टाइम पीरियड टी, एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोड्यूसर ई,
गवर्नमेंट पॉलिसी, तो जो सप्लाई है इन चीज़ों के ऊपर जो है डिपेंड करती है। और जब हम लॉ ऑफ सप्लाई देते हैं तो हम ये चीज़ें जो है कांस्टेंट मानते हैं, ये वाली चीज़ें, तो सप्लाई और प्राइस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम, जो कि मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर बताऊँगी। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ द मीनिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई फंक्शन क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स विच हैव इफेक्ट ऑन द सप्लाई, तो हम देखते हैं कि सप्लाई जो है किन चीज़ों के ऊपर, डिटर्मिनेंट का अर्थ होता है कि किन चीज़ों के ऊपर वो निर्भर करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सप्लाई जो है किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। देखो सबसे पहले तो जो कमोडिटी की प्राइस है उसी जिसकी सप्लाई है उसी की प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। नेचुरली अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम तो सेलर जो होता है ज़्यादा प्राइस है तो वो ज़्यादा सेल करने को तैयार होते हैं, कम प्राइस है तो वो कम सेल करने को तैयार होते हैं, और उसी तरह प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो यहाँ पे देखो क्या है कि अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में प्रोड्यूसर क्या करते हैं कि जो जैसे मान लो उसका सब्स्टिट्यूट वाई है तो एक्स को वो कम बनाएंगे, वाई को ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि वाई को बनाने में ज़्यादा बेनिफिट है। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं अपने जो रिसोर्सेज हैं उस सब्स्टिट्यूट बनाने के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर देखो ए कमोडिटी जो है चीप हो गई है, बी कमोडिटी एक्सपेंसिव हो गई है, तो बी कमोडिटी जो है वो उसको उसकी प्राइस ज़्यादा मिल रही है बाज़ार के अंदर, तो वहाँ पर वो बी चीज़ को बनाएंगे और बी चीज़ को मार्केट के अंदर ऑफर करेंगे। और उसी तरह देखो जो सप्लाई है वो फैक्टर इनपुट्स या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो सप्लाई लेस होगी, और अगर क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होगी। देखो यहाँ पे जो मैंने वाइसी वर्सा लिखा है इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने आपको समझाना था, तो मुझे था कि मैं बोल के भी समझा सकती हूँ, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी तो वाइस वर्सा लिख दिया है। तो एग्ज़ाम के अंदर क्योंकि मैंने हर जगह पर वाइस वर्सा लिखा हुआ है, तो अगर एग्ज़ाम के अंदर आपके पास सफिशेंट टाइम है तो आपने दोनों चीज़ें बतानी है, अगर नहीं टाइम है तो तब आप वहाँ पे वाइस वर्सा कर सकते हो। और उसी तरह क्या है कि अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होती है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कम हो जाती है तो वहाँ पे सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा पैदावार होगी उसकी। और उसी तरह मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, देखो अगर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के मीन्स जो है इम्प्रूव होते हैं तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है। और उसी तरह क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट जो है इम्पोर्ट को इनक्रेज करती है तो इम्पोर्ट्स भी वगैरह इंक्रीज़ की जा सकती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के साधन बढ़िया है। बट अगर डिवेल्प मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है तो नेचुरली देश के अंदर उन चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो फर्म है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी जो है फर्म के ऊपर उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि हर एक फर्म को होता है कि मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है। तो कई बार क्या होता है कि नेचुरली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सप्लाई को बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं, इस वजह से नहीं कि प्रॉफिट लेके आता है, क्योंकि गुडविल भी क्रिएट होती है, क्योंकि जब बाज़ार के अंदर चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इमेज भी इम्प्रूव होती है। और उसी तरह क्या हम देखते हैं कि अगर मार्केट के अंदर नंबर ऑफ़ सेलर ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ सप्लायर ज़्यादा है, तो वहाँ पर सप्लाई भी ज़्यादा होती है। और उसी तरह अगर प्रोड्यूसर जो है, सप्लायर जो है, अगर उसको ये लगता है कि फ्यूचर के अंदर मुझे जो है प्राइस ज़्यादा मिलेगी तो वो जो है उसकी सप्लाई कम करता है, और अगर उसको लगता है कि फ्यूचर के अंदर उसको प्राइस कम मिलेगी, अब ज़्यादा मिल रही है, तो वो मार्केट के अंदर ज़्यादा सप्लाई करेगा। देखो अगर फ्यूचर में उसको लगता है प्राइस ज़्यादा मिलेगी तो कम सप्लाई करेगा, अगर फ्यूचर में कम प्राइस मिल रही है तो वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। और उसी तरह देखो जो सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो देखो यहाँ पे अगर कंड्यूसिव सिचुएशंस रहती हैं, अच्छी रेनफॉल होती है, इरिगेशन के साधन बढ़िया है, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, सीड्स की क्वालिटी अच्छी है, कल्टीवेशन के मेथड बढ़िया है, तो सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। बट अगर मानसून ख़राब हो जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं, सोका पड़ जाता है, तो अर्थक्वेक आ जाता है, तो जिसकी वजह से क्या है कि सप्लाई कम होगी। और उसी तरह क्या होता है कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस जो होती हैं उसकी वजह से भी क्या होता है कि चीज़ों की सप्लाई जो है कम होती है। और उसी तरह क्या होता है कि जितना देखो आउटपुट के ऊपर, सेल के ऊपर, इम्पोर्ट के ऊपर टैक्सेशन होगा तो उसकी सप्लाई भी जो है लिमिटेड हो जाती है। और उसी तरह
गवर्नमेंट पॉलिसी जो है अगर वो कोटा के अंदर क्या है, कोटा के अंदर रिडक्शन करती है, फॉरेन गुड्स के अंदर टैक्स लगाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि नेचुरली जो सॉरी अगर गवर्नमेंट जो है कोटा जो है यहाँ पे क्या है कि देखो जो बेसिकली जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो भी सप्लाई के अंदर जो है करती हैं, अगर गवर्नमेंट जो है टैरिफ जो है रिड्यूस करती है तो फॉरेन सप्लायर जो होते हैं वो चीज़ों को भेज सकते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि अगर सरकार जो है ज़्यादा टैक्स लगाती है और पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन अडॉप्ट करती है तो वहाँ पे सप्लाई कम हो जाती है। और उसी तरह कई बार क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके बीच में भी एग्रीमेंट हो जाता है तो वो कार्टल बन जाते हैं, तो जिसके अंदर क्या होता है कि वहाँ पे होता है कि हमने ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो वो आर्टिफिशियली स्केयरसिटी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कमोडिटी की सप्लाई कम हो जाती है और प्राइस ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर जो हैं सप्लाई को जो है इफ़ेक्ट करते हैं।